बताओ बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। बच्चा इंडेमनिटी मतलब कंपनसेशन देना, कंपनसेट करना, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है बच्चा, अब मैं यहाँ पे प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। अगर आपने आपस में बात किया तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, फोकस रहना, मार्क करना नहीं, क्योंकि अभी मैं किसी और स्लाइड में जा रही हूँ। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा, एक है बच्चा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है बच्चा इंडेमनिटी। बेस यही है, अगर ये बेस समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, अगर ये बेस समझ में नहीं आया तो मैं आगे बढ़ने वाली नहीं हूँ, समझना है उसके बाद ही जाएंगे। चलिए, पहला टाइप का कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गारंटी के तो कितनी पार्टीज होती है? तीन। कितनी पार्टीज होती है? तीन। बच्चा पहली पार्टी को मैंने नाम दिया है प्रिंसिपल डेटर। क्या नाम है बच्चा? प्रिंसिपल डेटर, उधार लेने वाला। प्रिंसिपल डेटर मतलब उधार लेने वाला। अब बच्चा उसने उधार किससे लिया बच्चा? क्रेडिटर से। उधार किससे लिया है? क्रेडिटर से। तो ये मिस्टर ए है जिसने पैसे लिए हैं, किससे पैसे लिए? मिस्टर बी से। क्रेडिटर ने कहा भाई तुम मुझे शायद पैसा ना चुका पाए, प्लीज एक गारंटर को लेकर आ, एक गारंटर को लेकर आ जो तेरे बिहाफ में गारंटी देगा। ए बोलता है कि नहीं नहीं मैं चुका दूंगा। बी बोलता है नहीं नहीं भाई नहीं चुकाया तो क्या, उस दिन मैं रोता रहूंगा क्या, क्या केस में कोर्ट के चक्कर काटता रहूंगा क्या, उस दिन तो परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं चुका पाए तो कहाँ जाना है? कोर्ट। तो मैं पहले से इंतजाम कर रहा हूँ, पहले से इंतजाम कर रहा हूँ कि अगर तू नहीं चुका पाएगा तो तू एक इंसान को लेकर आ जो प्रॉमिस करेगा कि तू नहीं चुकाएगा तो वो चुकाएगा। ए ने बोला भाई सी को लेकर आता हूँ, सी को लेकर आता हूँ। सी ने बोला कि क्रेडिटर क्रेडिटर दे दे यार पैसा। क्रेडिटर ने बोला ठीक है एक शर्त पे दूंगा, वो शर्त क्या है कि अगर ए नहीं चुका पाया तो सी तू बोल तू चुकाएगा। क्या बात समझ में आया? तो उस बंदे को हम बोलते हैं गारंटर, उस बंदे को क्या बोलते हैं? गारंटर। तो इन शॉर्ट कितनी पार्टी है? तीन। एक है प्रिंसिपल डेटर, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा गारंटर। बच्चा जो ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चा, गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा एक पर्सन का थोड़ा सा दिमाग लगाना, कौन किसको गारंटी दे रहा है? गारंटर जाकर क्रेडिटर को क्या बोल रहा है? मैं चुका दूंगा। पहली बात तो उसकी यही होगी कि भाई भरोसा कर, डेटर तुझे तेरा पैसा दे देगा, ए पैसा तुझे दे देगा, जो ये 10 लाख लिया वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं चुका पाया तो मैं हूं ना, मैं चुकाऊंगा। तो बी बोलता है ठीक है भाई तेरी बात पे मैंने भरोसा किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बच्चा? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें डेटर पैसा लेता है क्रेडिटर से इस शर्त पर कि वही आकर चुकाएगा, ना चुका पाए तो उसने एक गारंटर खड़ा कर रखा है, गारंटर भी मार देगा साइन। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार आपने सुना होगा बच्चा कि जब हम लोन वोन लेने जाते हैं तो एक गारंटर लगते हैं बैंक में, सुना है? कभी मत साइन करना गारंटर में, क्योंकि गारंटर का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे जिसके बिहाफ में जा रहे हो, जिस दोस्त के बिहाफ में जा रहे हो ना गारंटर बनकर, बैंक ने क्या लिखवा लिया आपसे कि तुम्हारा दोस्त पैसा देगा, नहीं देगा तो मतलब वो जो लाखों करोड़ों का लोन लिया है ना, अगर तुम्हारा दोस्त भाग गया तो बैंक तुम्हारे घर पर आ जाएगी बच्चा, आपके घर को बेच कर पैसा रिकवर करेगी, क्योंकि गारंटर ने क्या दिया है? गारंटी दी है। तो बैंक भैया आपके भी घर में आएगा अगर दोस्त भाग गया। दोस्त नहीं भागा, दोस्त भागा नहीं है, घर पर ही बैठा है, लेकिन उसको तो दिवालिया निकल चुका है, वो पैसे नहीं चुका सकता, तो वो तुम्हारे घर फिर से आ जाएगा। तो गारंटर एज अ जब आप साइन करते हो ये बहुत रिस्की काम है, ठीक है? सोच समझ कर कहीं भी साइन कर देते हो, है ना? सोच समझ कर साइन करना, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में आप फंस जाओगे और बैंक पूरा वसूल सकता है, क्योंकि आपने खुद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में साइन किया। बात समझ में आ गई? तो दैट वॉज गारंटी देना, समझ में आया? चलिए, गारंटी थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकली जानते थे इसलिए समझने में दिक्कत नहीं हुई। अब बच्चा मेरी बात समझना, इसी गारंटी की ही बात करो, इसी गारंटी की ही बात करो। इस गारंटी में ए बी सी थे, ए हमारा कौन था, बी कौन था, क्रेडिटर, सी कौन था? ये ए ने बोला भाई मेरा तो दिवालिया निकल गया, मेरा तो दिवालिया निकल गया है। अब बच्चा बी किससे पैसे वसूलेगा? सी से। सी ने बेचारे ने क्या दिया, 10 लाख का लोन दिया बच्चा। ए जो काम, ए के बदले में जो सी काम कर रहा है, सी को भी फ्री में काम नहीं करते, मैं बता दूं, ठीक है? अपनी फीस लेगा, अपना इंटरेस्ट लेगा, अपने चार्जेस लेगा, ठीक है? चलिए, अब दोस्ती यारी में तुम लोग तो कर देते हो साइन,
ठीक है, इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो दोस्ती यारी में, घर बिक जाएगा, ठीक है, तो सोच समझ कर। चलिए ए ने बोला भाई मैं तो नहीं कर पा रहा, अब सी तू जाकर दे दे पैसा। सी ने कहा चल ठीक है मैं दे दे रहा हूं, लेकिन भाई इसने तो 10 लाख दे दिए, क्या इसको इसके 10 लाख वापस नहीं चाहिए? चाहिए। तो गारंटर अपना पैसा किससे वसूलेगा, ए से कि बी से? ऑब्वियसली ए से, इन दोनों के बीच में भी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर मैं बोलूं डेटर और गारंटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज नोन एज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? भुगतान करना, कंपनसेशन देना, कंपनसेट करना। तो क्या कंपनसेट हो रहा है भाई? गारंटर ने पैसे दिए थे क्रेडिटर को, भुगतान करो, कौन किसको करेगा? प्रिंसिपल डेटर करेगा गारंटर को। तो व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब कि जो प्रिंसिपल डेटर ने लॉस दिया है, लॉस किसको हुआ बच्चा? गारंटर को हुआ। इस लॉस की भरपाई कौन करेगा बच्चा? प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर। तो बच्चा वापस से आ रही हूं, अगर मैं बोलूं गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, तो सी गारंटी दे रहा था बी को, सी गारंटी दे रहा था बी को, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी क्या बोल रहा है भैया? सी, सी पैसे दे चुका है, फटका लग गया है, लॉस हो गया है, अब उसे वापस चाहिए। ए, ए है ना दोस्त है तो तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये भाग गया, फंस गए तुम। लेकिन बच्चा बड़े लेवल की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अपने दोस्त के साथ क्या कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई अगर मुझे देना पड़ गया, अगर मुझे पैसा देना पड़ गया, इस केस में देना पड़ गया था कि नहीं पड़ गया था? पड़ गया था 10 लाख, तो बच्चा लॉस हो गया, तो इस लॉस को कौन ठीक करेगा बच्चा? प्रिंसिपल डेटर करेगा। टेंशन मत ले, मुझे जैसे ही फायदा होगा मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा, तो टर्म्स एंड कंडीशन में सारी बातें लिखूंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो किस किस के बीच में होता है? डेटर और इंडेमनिटी, डेटर और गारंटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस किस के बीच में? इसमें तीनों पार्टी लिंक है। सी क्या बोल रहा है? पैसे देगा ए, नहीं दे पाए तो कौन देगा? सी बोलता है मैं खुद दूंगा। सी बोल रहा है, सी बोल रहा है बैंक मैं तुम्हें क्रेडिटर, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, ए ही देगा, नहीं दे पाएगा तो मैं तो हूं। तो तीनों पार्टीज होती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितनी पार्टीज होती है? तीन। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी होती है? दो, क्योंकि भैया इसको थोड़ा लेना देना, इसने तो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी वाला कर दिया था ना, तो ये दोनों आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लॉस का, तो इसे हम इंडेमनिटी बोलते हैं। क्लियर है आयुष? डाउट था बच्चा? किसका दिवालिया निकल गया? क्रेडिटर का दिवालिया निकल गया, डेटर का दिवालिया निकल गया। बच्चा दिवालिया निकलने कब की बात कर रहे हो? जब सी ने, सी ने पैसे दे दिए, ठीक है, हाँ, दिवालिया निकल गया, लॉस हो गया ना, हो गया लॉस, क्या करेगा भाई? सर पकड़ के बैठा रहेगा, रोएगा, क्या कर सकता है? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट बोलेगा दे पैसे, बोलेगा कहाँ से दे, देख लो, नहीं दे सकता भैया, ऐसे दोस्त बनाओ मत ना, मत भरोसा करो ऐसे दोस्त। भैया लोन देने से पहले उसके प्रोजेक्ट को आप भी देख लो, बिना देखे प्रोजेक्ट पे भरोसा नहीं करने का। भैया किस्मत खराब भी तो हो सकती है, गया लॉस, इतने सारे बैंक, विजय माल्या भाग गया तो बैंक के असर पकड़ के बैठे, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, लॉस। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए अब बच्चा आपकी बुक में आएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। रुक जाओ बच्चा, एक चीज बताना भूल गई, वापस आ रही। यहां इंडेमनिटी में एक तरफ प्रिंसिपल डेटर था, दूसरा कौन था बच्चा? क्रेडिटर, और तीसरा कौन था? गारंटर। एक वर्ड बार बार यूज होगा, एक वर्ड बार बार यूज होगा बच्चा। प्रिंसिपल डेटर को बोला जाता है इंडेमनीफायर, प्रिंसिपल डेटर को क्या बोला जाता है? इंडेमनिटी पायर, और इसको क्या बोला जाता है बच्चा? इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिफाइड होल्डर, ये होल्डर है। इंडेमनिटी मतलब कंपनसेट करना, तो ये होल्डर है, कंपनसेशन होल्ड करने का होल्डर है, और ये कंपनसेशन देने वाला, हमेशा देने वाले में हमेशा आरआर लग जाता है, बता दिया था। इंडेमनिफायर मतलब जो कंपनसेशन दे रहा है बच्चा, इंडेमनिफाइड होल्डर जिसे कंपनसेशन मिल रहा है, या फिर मैं बोलू हु सेव, या बच्चा हु सेव्ड, हु सेव मतलब जो लॉस को क्या कर रहा है बच्चा? ठीक कर रहा है बच्चा, और ये क्या है बच्चा? लॉस हो गया था ना, उस लॉस को क्या, जिसको सेविंग मिल रही है, उसको जिसको वो पैसा मिल रहा है। क्या अगर मैं नेक्स्ट टाइम बोलूं इंडेमनिफायर कौन है तो समझ में आ जाएगा, इंडेमनिफायर कौन है? डेटर, प्रिंसिपल डेटर। बच्चा इंडेमनिफाइड होल्डर कौन है?
गारंटर, याद रहेगा। चलिए बच्चा इस डायग्राम को बनाने हो तो बच्चा बना लीजिए, फिर हम आपकी बुक में चलेंगे। चलिए बच्चा वापस आते हैं। अब आपकी बुक में कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी और गारंटी दिख रहा है, रुक जाओ, इससे पहले आपको एक डिफरेंस बिटवीन दिख रहा है क्या? पहले डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करूंगी, ठीक। पहले अगर इंडेमनिटी की बात करूं तो कितनी पार्टीज होती है, कितनी पार्टीज होती है? दो, एक होता है इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी पहले, ठीक है, इंडेमनीफाइड या फिर इसको इंडेमनीफाइड होल्डर बोलो, जिसको दिया जा रहा है, जो दे रहा है, देने वाला प्रिंसिपल डेटर, और जिसको मिल रहा है गारंटर। तो बच्चा यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिख सकते हो, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए इंडेमनीफायर कौन होता है? प्रिंसिपल डेटर, तो उसके नीचे डेटर लिख दो, कल को आपको याद रहे। इंडेमनीफाइड कौन होता है? गारंटर। गारंटी में कितनी पार्टीज होती है? तीन। उस गारंटी को श्योरिटी भी बोल सकते हैं, गारंटर इज ऑल्सो नोन एज श्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी दे रहा है ना, गारंटी दे रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा। प्रिंसिपल डेटर और तीसरा कौन था? क्रेडिटर। तीन पार्टीज थी, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा, इन केस ऑफ द बच्चा इंडेमनिटी, लाइबिलिटी किसकी होती है? देने वाला कौन होता है? इंडेमनीफायर भी होता है ना, मतलब डेटर होता है ना, डेटर प्रॉमिस कर रहा है कि भाई तूने अगर मेरे बिहाफ में पैसे दे तो मैं चुका दूंगा। यहां पे लाइबिलिटी किसकी होती है बच्चा? बच्चा वापस ध्यान देंगे, अगर यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पर दो बातें बच्चा, इंडेमनिटी में सबसे पहला लॉस हो चुका होगा, किसको चुका होगा? इंडेमनिफाइड को, पैसे उसमें चुकाने पड़े होंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बच्चा? डेटर और गारंटर, डेटर और गारंटर। तो इसमें एक ही चीज है ना कि ये इसको पैसा देगा, डेटर किसको पैसा देगा? गारंटर को। अब बच्चा मैं गारंटी की बात करूं, मैंने क्या कहा था? पहली ड्यूटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर किसको चुकाएगा? क्रेडिटर को। नहीं चुका पाए तो सेकेंडरी ड्यूटी किसकी है? गारंटर चुकाएगा क्रेडिटर को। बात समझ में आ गई? तो बस उन्होंने क्या लिखा, लायबिलिटी सिक्योरिटी की क्या है? सेकेंडरी है, क्योंकि प्राइमरी तो भैया उसी डेटर की, लेकिन किसको चुकाने की? किसको चुकाने की? क्रेडिटर की। यहाँ पर डेटर चुकाएगा क्रेडिटर को। फिर क्या होगा बच्चा, अगर ये नहीं चुका पाएगा तो गारंटर चुकाएगा क्रेडिटर को। यहाँ पे क्या कह रहा है भैया? डेटर चुकाएगा भैया गारंटर को, खत्म। इसमें एक ही केस है, इसलिए प्राइमरी। इन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, दो केस है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बात समझ में आ गई? नहीं चुका पाएगा तो, ठीक है। चलिए तीसरा केस में चले बच्चा, तीसरे केस में चले। तीसरे केस में पहले अपन ये वाला पढ़ेंगे, गारंटी का पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा ये पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। पहले के लिखा है श्योरिटी गिव गारंटी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर क्या बोला, भाई मैं नहीं चुका पा रहा ना, तो भैया अब किसको चुकाना पड़ेगा? श्योरिटी को बोलो या फिर गारंटर बोलो, एक बात है। बच्चा यहाँ पे ऐसा कुछ होगा क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। वापस ये कह रहा है कि भैया डेटर रिक्वेस्ट करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है? डेटर रिक्वेस्ट करता है, मैं नहीं चुका पा रहा हूँ श्योरिटी, अब तेरी बारी, तू चुका, ठीक है। बच्चा यहाँ पे चुकाने वाला कौन है? खुद डेटर। बच्चा खुद को रिक्वेस्ट करेगा क्या कि चुका दे, मन को समझा रहे चुका है ना, डर मत चुका ले। तो इन्होंने कहा इंडेमनिफायर नीड नॉट टू बी नेसेसरी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर, क्योंकि इंडेमनिफायर ही खुद यहाँ पर क्या है? डेटर है। जब खुद को कुछ बोलेगा तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है। बच्चा अगर पहले इस थर्ड पॉइंट को पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और कल इसको डाउट में लेकर आओगे, इसलिए पहले फिर से बता रही हूँ। पहले क्या पढ़ना, ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे श्योरिटी तब चुकाता है जब डेटर नहीं चुका पाता। यहाँ तो देने वाला डेटर है ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई केस बनता नहीं है, वो अपने आप को समझाएगा नहीं, लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ डेटर ही है दोनों तरफ, क्या एक दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं, एक ही पर्सन है, तो इसमें ऐसा कोई भी एप्लीकेबल नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन। क्लियर है? हाँ बच्चा, गारंटर रख सकता है, उसका अंदर का मैटर है ना कि भाई मैं नहीं हूं तो प्लीज तू मेरे बिहाफ में चुका देना, रख सकते। बड़े बड़े हाई लेवल में ऐसे केसेस भी होते हैं, ठीक है। सब करते हैं भैया, सारी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने अपना भी इंश्योरेंस करवा के रखा होता है, उन्हें इंश्योरेंस सब इंश्योरेंस ऐसे ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बच्चा, फोर्थ पॉइंट पहले गारंटी का पढ़ेंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले हमने कॉन्सेप्ट भी किसका समझा है? गारंटी का है, क्योंकि भैया गारंटी से तो इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट निकला है, तो हमेशा पहले गारंटी वाला ही पढ़ना। क्या बोलता है,
In case of the guarantee, there is an existing debt and the duty, the performance guarantee by the surety. क्या बोलता है बच्चा? Guarantor क्या कह रहा है? Guarantor क्या कह रहा है भैया? मैं surety दे रहा हूँ किस चीज की? Performance और duty जो भी है, जो आप नहीं pay कर पाओगे. In case of the guarantee, guarantee के केस में होता है एक existing उधारी होती है, duty होती है. The performance of which guarantee by the surety. कुछ नहीं, simple बात लिखी है. Surety guarantee दे रहा है एक existing debt को लेकर. ए ने पैसा लिया था 10 लाख का, सी ने क्या बोला भाई? इस उधारी की गारंटी. बस उन्होंने डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है. इन्होंने क्या बोला? ये क्या है? कंटिंजेंसी मतलब अनसर्टेन, ये अलाउड है, अनसर्टेन. इन्होंने क्या बोला है कि अगर श्योरिटी को तो चुकाना पड़ गया, हमेशा थोड़ी ना है, पहले तो ये ट्राई करेगा ना. इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में तब आएगा जब ये चुका नहीं पाएगा. अगर चुका दिया तो सर्टेन है कि अनसर्टेन है? अनसर्टेन है ना. ये अनसर्टेनिटी अलाउड है. जनरल रूल अनसर्टेन अलाउड नहीं है, एक्सेप्शन अलाउड है. किसने किसको चुकाया? रुक जाइए, ए है बी. कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. कमीशन, फीस कमीशन, वो तो अलग है. लेकिन क्या इसको 10 लाख इसको भी देने की जरूरत है क्या? नहीं. फीस कमीशन तो देना पड़ता है, वो फिक्स होता है, वो पहले मिल जाता है. ठीक है, इन्होंने ये बस लिखा है कि ए ने ही जब रिटर्न कर दिया पैसा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में जो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो गया? खत्म हो गया. मतलब ये कंटिंजेंट है, किसी कंडीशन पे बेस्ड है. अगर ये नहीं चुका पाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. अब इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगे. अगर चुका दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ऑटोमेटिक. समझ में आया? हाँ, नहीं समझी? गारंटर का ही दिवालिया निकल गया बच्चा. ठीक है, ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है, ये पहले ए के दरवाजे को खटखटाता है, इसका दिवालिया निकल गया. सी का दरवाजा, इसका भी दिवालिया. दोनों ने मिली भगत थी, बैंक को लूट लिया. रोए का सर पकड़ के क्या करेगा बच्चा? कोई ऐसे ही नहीं देता है, कुछ ना कुछ गिरवी तो गारंटर भी रखेगा और सिक्योरिटी भी रखेगा. भैया कम मत समझो, ये ही नहीं रखेगा, ए तो रखेगा है ना, ए रखेगा. लेकिन भैया ये क्रेडिटर ऐसे किसी गरीब दोस्त को पकड़ कर गारंटर लेकर आओगे तो क्या दे देगा? ये इसकी पूरी प्रोफाइल चेक करेंगे, कौन है, अमीर दोस्त है कि नहीं, कितनी क्या प्रॉपर्टी है. इन पे नजर होती है और ये पर्सनली लाइबल हो जाएंगे. मतलब इनकी प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग तभी तो बैंक देगा, जब स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कहेगा इनएलिजिबल है गारंटर, ये नहीं बनेगा, दूसरा लेकर आओ. बैंक मना कर देगी. मतलब बैंक क्या देख रही है? इसकी प्रॉपर्टी तो देखेगी ही. क्लियर है बच्चा? चलिए वापस. तो इन्होंने क्या बोला? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अगर होगा, लॉस वाली कंटिंजेंसी आएगी तो. लॉस मतलब अगर गारंटर को भरपाई करना पड़ गया तो कंटिंजेंसी, अदरवाइज नहीं है. क्लियर है बच्चा? लास्ट पॉइंट, गारंटी वाले में, लेकिन उसमें तो टर्म्स एंड कंडीशन, कंटिंजेंसी दोनों में, कंटिंजेंसी दोनों में. लेकिन मेन क्या है? मेन पैसा तो मिलेगा ना, या तो ये देगा या तो सी. देने वाला फिक्स नहीं है, तो पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये भी अलाउड है. सर्टेन उसको मिलेगा, फिक्स है. पार्टीज फिक्स नहीं है, पार्टीज को लेके अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है. ये भी फिक्स नहीं है. ठीक है, चल अब बच्चा फिफ्थ पॉइंट. इंडेमनीफायर कैन नॉट बी सू थर्ड पार्टी. इसे पार्टी कितने थे? कितने पार्टी थे इंडेमनीफायर में? कितने पार्टी थे यहाँ पे? तो कॉन्ट्रैक्ट भैया प्रिंसिपल डेटर और गारंटर का था ना, तो भैया सी का कुछ बनता है क्या? क्रेडिटर, सॉरी, बी का कुछ बनता है क्या? नहीं. लेकिन बच्चा ये तो हमें समझ में आया, इंडेमनीफायर कैन नॉट सू द थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम, क्योंकि बच्चा ये तो एलिजिबल ही नहीं है. यहाँ क्या बोला? श्योरिटी एक तरफ है, श्योरिटी भैया ये नलायक दोस्त ने धोखा दे दिया. इस नलायक दोस्त ने क्या किया बच्चा? धोखा दे दिया. सी क्रेडिटर, सी ने क्या किया? क्रेडिटर को पैसा दे दिया. अब ये गया भाई, तेरा मेरा भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, दे दे. तो बच्चा ये भाग गया, तो क्या गारंटर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? कर ही सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो ये लिखा है बच्चा,
श्योरिटी, श्योरिटी ऑन द पेमेंट ऑफ डेट, क्योंकि उसने पे किया है तो प्रोसीड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जा सकता है? क्लियर है? उसके पास राइट है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब पूरा बता दें, क्रेडिटर, ठीक है। चलिए लास्ट वाला पॉइंट बच्चा, फिर से ध्यान देना, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग थे? तीन, ठीक है, चलते, ये तीन पार्टी यही लोग है बच्चा। मुझे ये बताओ, क्रेडिटर की अगर मैं बात करूं तो ये किस किस के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? ठीक है, गारंटर की बात करूं, ये किसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? ठीक है, एक इसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, इसने तो उधार लिया है ना, इसी पे सब करेंगे। तो गारंटी में क्या बोला जा रहा है भैया? श्योरिटी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्यों करेगा? जब पैसे दे देगा तो क्यों करेगा भाई, समझ में आए? इंडेमनीफायर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चा? इंडेमनीफायर, ये है, कितनी पार्टियां, तीन दिख रही है इसमें भी, प्रिंसिपल डेटर, गारंटर, क्रेडिटर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ है? ठीक है, क्या ये इसके अगेंस्ट कर सकता है भैया? ये तो आउट ऑफ दी पार्टी हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो है ही नहीं ना, तो बस उन्होंने यही बोल रखा है भैया इंडेमनीफायर किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही नालायक है ना, जिसको पैसे चुकाने हैं, इस पे सब करेंगे, ये किसी और पे थोड़ी ना करेगा। क्लियर है? बी है क्रेडिटर। रुक मैं तुझे ऐसे दिखा देती हूँ ना, और मैं ऐसे नाम भी लिख देती हूँ ABC, ठीक है, ताकि खिचड़ी ना पके। ये मेरा ए, ये है बी, ये है सी। अब बता भाई किसने किसको, उसने बोल दिया गिरवी रखा, सिक्योरिटी, हाँ, तो बी तो नालायक है, घुमा कैसे दिया? जमीन की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी के कागज होंगे, है ना, तो तुम क्या कह रहे हो, प्रॉपर्टी के कागज घुमा दिए, है ना, तो बच्चा कुछ भी, कोई तो प्रूफ रखा होगा। मैं मान के चल रही कि भैया ऑनलाइन भी आजकल चीजें होती हैं, तो प्रूफ होगा, ठीक है, तो अगर प्रूफ है तो भैया निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? अब तुम कह रहे हो प्रूफ ही नहीं है, तो अगर किस चीज का प्रूफ ही नहीं है तो भैया पैसे का भी कोई प्रूफ नहीं है ना, कैसे हार गया? हाँ, इस चीज का प्रूफ है कि नहीं? हाँ, तो बच्चा प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ नहीं है ना, तो रिकवर करवा रहा है, लेकिन उसके पास ये सी गारंटर का प्रूफ है क्या? सी गारंटी का प्रूफ है क्या? तुम कह रहे हो किसी का भी प्रूफ नहीं, थोड़ा मुझे पूरा केस को अच्छे से बता, तुम क्या कह रहे हो, पैसे लिए, प्रूफ किसके पास नहीं है? बी के पास प्रूफ नहीं है, किसका? पैसे लेने का कि गिरवी रखने का? गिरवी रखने का प्रूफ नहीं है, नहीं, कोई केस नहीं करेगा। जब गिरवी रखने का प्रूफ नहीं है तो ए तो क्या चाहेगा, अच्छा है ना भाई, नहीं है इसके पास कोई प्रूफ। तुम लोग कैसी बातें कर सकते हो भाई, तुम लोग पता नहीं सीएसडी बनने जा रहे हो ना, लिखा पढ़ी को थोड़ा फोकस करो, समझो मेरी बात। ए कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी के कागज घुमा दिए, है ना, तो बच्चा ये अलग केस फाइल हो जाएगा कि मेरे प्रॉपर्टी के कागज इसने घुमा दिए, तो भाई ए नलायक, तेरे पास भी एक फोटोकॉपी थी, समझ? जब बैंक रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है ना, इसकी फोटोकॉपी आपको देता है। दूसरी बात, अगर वो फोटोकॉपी है तो उसमें एक नंबर होता है, जो आप ऑनलाइन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो। हर चीज की डुप्लीकेसी होती है, नहीं गुम सकता कभी भी, दुनिया खत्म तब होगा सब कुछ खत्म, क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का सब अवेलेबल है, कुछ नहीं गुमता। अगर गुमा दिया नलायकी वाली चीजें, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन हाँ उसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, बहुत बड़ा, लाखों करोड़ों का नहीं होगा, ठीक, पक्का, फालतू डाउट था। चलो समझ में आया बच्चा, कोई हैवी नहीं है। थर्ड वाला एक बार फिर से, पहले मुझे बताइए, येलो पॉइंट समझ में आया? आया आया आया, बता ना। अरे तो यही वाला बताना लाए, उसी से रिलेट कर, बता क्या बोल रही है? हाँ, ट्राई करना पड़ेगा, सॉरी, ट्राई करना पड़ेगा, इतने अच्छे से समझाए तुम लोग ऐसे कैसे गया कर सकते हो? पढ़ो एक बार, गारंटर क्या रहेगा यार, तुम लोग इसी दुनिया में रहते हो ना जब मैं पढ़ाती हूँ,
चिल्ड्रेन अलाइक, ध्यान दे इधर, ये प्रिंसिपल लेटर है, सब नवनीत के साथ रहने लगे हैं क्या? चलो एक तरफ प्रिंसिपल डेटर है, दूसरा कौन है? क्रेडिटर। कौन किसको लोन दे रहा है ये बताने की जरूरत है क्या? पक्का? चलो, गारंटर क्रेडिटर के पास क्यों गया? क्यों क्यों उसे सपना आया था? बोलो। इससे बोला भैया क्रेडिटर मुझे पैसे नहीं देगा जब तक गारंटर लेके आओ, तू गारंटर बन जा। तो बोलता ठीक है भाई, साइन ही तो करना है, खत्म। गारंटर ने क्या कर दिया? साइन। किसकी रिक्वेस्ट में? अब रीड कर, जल्दी रीड कर, रीड कर, नहीं पहले रीड कर, जल्दी रुक जा, पहले खत्म करने दे। ये वो नहीं सुधरी ना, तू नहीं सुधरी, कैंसिल कर रहा, रुको तो जरा, एक का खत्म हो दे। ये वाला समझ में आया? अब बता कशिश, पक्का? उसके बाद में मैंने क्या बोला? उसके बाद में क्या बोलता है बच्चा? इंडेमनीफायर कौन है बता? इंडेमनीफायर कौन है? डेटर। डेटर अपने आप को ही रिक्वेस्ट करेगा, तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है बच्चा। तो इसमें ऐसे लिखो नॉट एप्लीकेबल, मैंने कहा था वो लाइन रीड कर कंफ्यूज हो जाएगा। वो बताना चाह रही कि नॉट एप्लीकेबल, ऐसी वाली बात इसमें नहीं होती, यहाँ पे डेटर से कोई रिक्वेस्ट करने वाली बात नहीं है। अभी बोल, समझ में आया? पक्का नवृति? वो वाला मतलब फोर्थ वाला बच्चा। बच्चों मन के सच्चो, बातें मत करो। चलिए बच्चा, ये मीनिंग लिखा है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का, आ गया। इन्होंने क्या बोला? कंटिंजेंसी मतलब समझना। प्रिंसिपल डेटर ने पैसे चुका दिए क्रेडिटर को, प्रिंसिपल डेटर ने पैसे चुका दिए किसको? क्रेडिटर को। ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब है क्या? चलिए, इसने नहीं चुकाया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है? हाँ, तो इन्होंने क्या बोला? ये कंटिंजेंट है, मतलब अनसर्टेन है। कब ये आएगा इफेक्ट में, कब ये वैलिड बना जाएगा? जब चुका नहीं पाया, मतलब लॉस है, तो बस इन्होंने ये लिखा है। अगर लॉस होगा तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? पक्का? चलो, और कौन सा पॉइंट बच्चा? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैं एक ही चीज को इतनी बार समझा रही हूँ, तो है ना, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, आप लोग बस ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप लोग बस ध्यान नहीं दे रहे बच्चा, कोई बात नहीं। ठीक है, एग्जाम में बस मत करना है ऐसा बच्चा। दो पार्टी है किसमें? इंडेमनिटी में। अब सारे डाउट तुम लोग के लिए लास्ट डाउट है, इसके बाद कैंसिल, ऑफिस में आके मिलना तुम लोग को, पहले तब बुरा बुरा सुनाऊंगी तब जाके तुम्हारे डाउट लूंगी, इतने नलायक बच्चे हो तुम लोग। प्रिंसिपल लेटर क्या कर रहा है इंडेमनिटी में बता? चुप, इसको भी कुछ देना है क्या? इसको हाँ देगा क्या कुछ? नहीं, खत्म। इसमें क्या बोल रखा है भैया? लाइबिलिटी किसकी है? इंडेमनिफायर मतलब डेटर की है, क्या करने की? चुकाने की। इन्होंने कहा भैया यहाँ लाइबिलिटी किसकी बनती है? श्योरिटी की बनती है। खत्म खत्म खत्म। अब बच्चा तुम लोग एक चीज को बस फोकस तरीके से नहीं सुनते हो, बस मुझे यही समझ में आता है, बाकी कुछ नहीं, इधर उधर ध्यान रहता है ना लाइक। चलो समझ में आ गया बच्चा? पूरा पैराग्राफ रिपीट है, पूरा पैराग्राफ रिपीट है, फटाफट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करता है दूसरी पार्टी को, क्या बोलता है इंडेमनिटी में? कि भैया तुझे अगर लॉस हुआ तो मैं उसे क्या कर दूंगा? ठीक कर दूंगा, रिकवर कर दूंगा फ्रॉम द लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। उसने एक प्रॉमिस किया था, अगर नहीं चुका पाए तो क्या करेगा? मैं दे दूंगा। ठीक है, अब बच्चा एग्जाम्पल देके समझाया, एग्जाम्पल देके समझाया, इस एग्जाम्पल को रीड नहीं करूंगी, बस मार्क करो। सेम वही एग्जाम्पल है, एक ने एक दूसरे से उधारी लिया, नहीं चुका पाए तो उसके बदले में आकर कौन चुका रहा है बच्चा? इंडेमनिफाइड होल्डर। सेम बच्चा, इन्होंने बताया इंडेमनिफायर होता है, इंडेमनिटी होल्डर होता है, मीनिंग समझ चुके हैं, बस मार्क करने का। ठीक है, फिर नीचे कॉन्ट्रैक्ट, नहीं बच्चा सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का बस दे रखा है, बस आपको क्या करने का है? मार्क करने का। पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, डिफरेंस बिटवीन समझ चुके हो, बस मार्क करना है। क्या लग रहा है बच्चा? करिए जल्दी, बड़े आ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, चलिए समझेंगे बच्चा। लॉ ऑफ एजेंसी,
करेक्ट बच्चा, हेडिंग देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ एजेंसी। बच्चे एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट, एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट। ये जो प्रिंसिपल एजेंट वाली बात है बच्चा, प्रिंसिपल कौन होता है, सॉरी प्रिंसिपल कौन होता है बच्चा, जो बॉस। एजेंसी की अगर मैं बात करूं, एजेंट की बात करूं, तो वो क्या होता है बच्चा, उसका एम्प्लॉय होता है। ठीक है, अगर आपको टॉट चैप्टर याद हो, एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय बोलू है ना, प्रिंसिपल हमेशा लायबल होता था किसके लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने एजेंट के लिए। वेरी गुड, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ एजेंसी की बात कर रही हूँ बच्चा, ध्यान देंगे। एजेंट, एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। दोनों के बीच में क्या होता है बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेकर होता है बच्चा, थर्ड पार्टी को लेकर। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना बच्चा, मैं हूं प्रिंसिपल, मैं हूं प्रिंसिपल, रक्षित दिया एजेंट, मैं हूं प्रिंसिपल, रक्षित दिया एजेंट, और आप हो बच्चा हमारे क्लाइंट, हमारे कस्टमर, हमारी थर्ड पार्टी जो बच्चा यहाँ पर आकर पढ़ेगी। क्लियर बच्चा, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन बच्चा मेरी हेल्प करने वाला कौन है, रक्षित दी। मैं आपको जो भी नोट मटेरियल दे रही हूँ बच्चा, रक्षित दी की हेल्प से अगर मैं आपको दे रही हूँ, तो रक्षित दी क्या है बच्चा, मेरा एजेंट है, मेरे अंडर है, जो जो मैं बोलूंगी दीदी मेरे बिहाफ में ये सारे काम कर आपको दे रही हूँ। क्लियर बच्चा, लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा प्रिंसिपल लायबल होता है एजेंट के गलत कामों के लिए भी। गलती से दीदी ने अगर आपको बच्चा नोट्स नहीं दिए, तो उसके लिए लायबल कौन है, रक्षित दी लायबल नहीं है, लायबल कौन है बच्चा, मैं, क्योंकि ये काम तो मेरा था ना, मैं बस किसी और के थ्रू करवा रही हूँ। बच्चा कायदे से, कायदे से एजेंट एक एम्प्लॉय होता है जिसका प्रिंसिपल के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, उसको मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट रखा है कि थर्ड पार्टी, आप लोग क्या हो जाओगे बच्चा, वो थर्ड पार्टी हो जाओगे। ठीक है, बट द ड्यूरिंग द पीरियड द एजेंट इज एक्टिंग बच्चा इज क्लोथ विद द कैपेसिटी ऑफ हिज प्रिंसिपल। ये क्या बात होगी, एक अलग तरीके से लिखा है कि भैया एजेंट जो कुछ भी कर रहा है किसके कहने पे कर रहा है, प्रिंसिपल के कहने पे। नोट दीदी तभी देंगी ना जब मैं बोलूंगी, क्या बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ कुछ नहीं, आपको प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन समझा रहे, तो प्रिंसिपल बॉस है, एजेंट, एजेंट उसके अंडर में जो काम कर रहा है, जो कुछ भी एजेंट कर रहा है मतलब वो कौन कर रहा है, मान लिया जाएगा प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे वो बुरे। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इन्होंने कहा दो टाइप की होता है, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है बच्चा इम्प्लाइड। प्लीज इसके ऊपर लिख दो, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है बच्चा इनडायरेक्ट। ये वर्ड लॉ की लैंग्वेज में बहुत बार आएगा, एक्सप्रेस मतलब डायरेक्ट, इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट। क्या ये बात समझ में आई, चलिए इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बच्चा, बट कंसिडरेशन इज नॉट एसेंशियल। अगर आपको याद हो हमने कंसिडरेशन के एक्सेप्शन पढ़े थे, जनरल रूल कंसिडरेशन होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्शन कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वैलिड हो गए। कुछ चार पांच केसेस थे, एजेंसी वाला था, गिफ्ट वाला भी था, उसमें एक एजेंसी वाला था। वेरी गुड, वो सारे हमने पॉइंट्स पढ़े थे, लेकिन उसमें मेरा फोकस क्या है बच्चा, एजेंसी वाला। मतलब इन्होंने कहा कि भैया एजेंट को अगर कमीशन कंसिडरेशन नहीं भी मिल रहा है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्या बात समझ में आ रही, दीदी को, रक्षिता दी को क्या हम कंसिडरेशन देते हैं, मिलता है। दीदी जो भी काम कर रही है, दीदी जो भी काम कर रही है बच्चा, दीदी को जनरली जो भी काम किया जा रहा है हमारे द्वारा है ना, हम जो दे रहे तो हमारे द्वारा उनको बदले में क्या मिलता है बच्चा, कंसिडरेशन। दीदी हमें क्या दे रही बच्चा, सर्विस। इन्होंने कहा कंसिडरेशन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ये क्या बात हुई, दीदी को नहीं देंगे क्या दीदी काम करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी बच्चा। एक्चुअल में ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला हो गया, थोड़ा सा एग्जाम्पल बदलते हैं, पापा और बेटे वाला। बच्चा मकान है, घर है, ठीक है, घर के हम मालिक है, घर के हम मालिक है, डैडी मालिक है। ठीक है, बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में किसका नाम लिखा होगा, पापा का, तो बिल किसको पे करना है, पापा को, पापा बहुत बिजी है, बेटे को भेज दिया, जा बिल पे कर करा, बेटा बहुत नालायक है, पार्टी कर कर आ गया, खा गया पैसा, बिल पे नहीं किया। बच्चा अब मुझे बताओ, बिजली का बिल नहीं भरा है तो किसको पकड़ा जाएगा, बेटे को पकड़ा जाएगा कि पापा को, पापा को, भैया वो मालिक है, उन्होंने अपना काम एक एजेंट से करवाया था, वो एजेंट कौन था, उनका खुद का बेटा। बच्चा वो तो फ्री में कर रहा था ना ये काम, कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था क्या, नहीं। तो एक्चुअल में अगर मैं एक बात बोलूं तो बच्चा, जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों से ये काम करा रहे तो उनके बीच में भी प्रिंसिपल एजेंट का काम है। अगर बच्चा कुछ गलत काम करता है तो पेरेंट्स को पकड़ा जाता है, सिखाया नहीं है पेरेंट्स ने, ऐसे एक डाली चिपकाया जाता है ना, ये क्या मैनर्स है, मतलब गलती किसकी, पेरेंट्स की। मतलब बच्चा सही करेगा तो वाह यार इनके पेरेंट्स ने अच्छी शिक्षा दी है, गलत काम करे तो वाह यार पेरेंट्स, लेकिन क्या
पेरेंट्स और बच्चे के बीच में क्या कोई कंसिडरेशन है क्या? नहीं, तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, मतलब कंसिडरेशन होता भी है कुछ कुछ केसेस में, कंसिडरेशन नहीं। जब रक्षिता दी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया तो कंसिडरेशन है, लेकिन बच्चा जब हम भाई बंदी में काम कर रहे हैं, बच्चा लव एंड अफेक्शन में काम करे तो कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ पे वो उन कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं कि कभी कभार कंसिडरेशन एसेंशियल नहीं होता है, जो मैंने अभी पापा और बेटे वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला एग्जाम्पल दिया। क्या बात समझ में? बाकी सारी जगह पे होता है, नहीं तो भैया एम्प्लॉय भाग जाएगा, ठीक है, रक्षित दी भाग जाएंगे क्या हमारे? चलिए, तो दो टाइप के उन्होंने कहा भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, एक एक्सप्रेस दो, तो एक क्या होता है बच्चा एम्प्लॉय। चलिए एक्सप्रेस की बात करूं तो रक्षिता दी और हमारा क्या बच्चा एक्सप्रेस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सप्रेस नेचर का हुआ है बच्चा। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। रिटन कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उन्होंने कहा भैया पावर ऑफ अटर्नी एग्जाम्पल देके बताया, रिटन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ अटर्नी बच्चा। अब ये पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे घर बेचना है, मुझे ये घर बेचना है, मैं अवेलेबल नहीं। मैंने कहा कि पावर ऑफ अटर्नी मैंने किसी एक इंसान को दे दिया कि तुम मेरे बिहाफ में घर बेच देना, मतलब बेच तो बस मालिक सकता है, लेकिन मालिक ने क्या दे दी किसी को? ऑथराइजेशन। तो पावर ऑफ अटर्नी कुछ नहीं, एक ऑथराइजेशन लेटर होता है जो एक एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, तो रिटर्न में दिया है ना। तो बच्चा यूजुअल फॉर्म ऑफ द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इन्होंने रिटर्न का एग्जाम्पल दिया कि पावर ऑफ अटर्नी हमेशा रिटर्न में ही होता है। जब रजिस्ट्री के पूरे कागज मेरे नाम पर है, डॉक्यूमेंट मेरे नाम पर है, तो मैं ही बेचूंगा ना। अगर मैं नहीं हूं, मैं किसी को भी देता हूं, तो उसके साथ एक ऑथराइजेशन लेटर होगा, जिसे बस लीगल सेंस में हम क्या बोलते हैं बच्चा, पावर ऑफ अटर्नी है, ऑथराइजेशन है, ठीक है, बोल सकते हैं, साइनिंग अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में ऑथराइजेशन दे रखी है कि तुम मेरे बिहाफ में साइन करना, लेकिन ये तो एग्जांपल है कि बस साइन करने का, मैं तो कभी पूरा घर बेचूं? तो घर बेचने में जो जो करना पड़ रहा है, साइन भी करना पड़ रहा है, या फिर बच्चा कहीं जाके प्रेजेंट भी होना पड़ता है, किसी से बात भी करनी पड़ती है, नेगोसिएशन भी करना पड़ता है, सब काम दे दिया मैंने, समझ में आया? तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरीके से क्या है? ऑथराइजेशन। अभी ऑथराइजेशन किसी की भी हो सकती है, चाहे वो साइन करने की, कहीं प्रेजेंट होने की हो, व्हाटएवर। क्लियर है? चलिए, विच गिव हिम द अथॉरिटी, अथॉरिटी देता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। मालिक प्रेजेंट नहीं है, मेरे बिहाफ में एजेंट, तो प्रिंसिपल जनरली क्या देता है अपने एजेंट को? पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, ऑथराइजेशन देते हैं ना। मैं बुक नहीं दे पा रही, रक्षित दी मेरे बिहाफ में सारे काम करेंगी। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? फॉर एग्जाम्पल फीस कलेक्शन का काम अगर मैं बोलूं तो रक्षित दी आपसे फीस ले रही है, तो बच्चा फीस तो मुझे मिलनी चाहिए ना, लेकिन बच्चा मैं बिजी हूँ, मैंने रक्षित दी को क्या दे रखी है? ऑथराइजेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी कि तुम मेरे बिहाफ में बच्चों से फीस ले लेना, फिर मुझे दे देना। क्या बात समझ में आ रही है? तो बच्चा प्रिंसिपल का सारा काम एजेंट को मिल रहा है, थ्रू रिटर्न मिल रहा है, दैट इज पावर ऑफ अटॉर्नी, और ये ओरल भी हो सकता है। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि फीस ले लेना, नोट दे देना, ओरल है ना, दैट वाज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलिए, द टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी रहती है, ट्रांसफर एग्जांपल भी दे रखा है। ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? इमोबल, जैसे कि मैं घर बेच रही थी बच्चा, तो पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे सकते हो किसको लेकर? रजिस्ट्रेशन को लेकर, कि भैया मैं प्रेजेंट हूं, मैं इंडिया से बाहर हूं, आप मेरे बिहाफ में सारे काम डॉक्यूमेंटेशन करो। पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल भी हो सकती है बच्चा, स्पेशल भी हो सकती है, एक होती है जनरल, दूसरी होती है स्पेशल। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, मैंने कहा मैंने ऑथराइजेशन दी, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मतलब सेवरल पावर दी, मतलब सेवरल पावर साइन करने की, प्रेजेंट रहने की, नेगोशिएशन करने की, सब। जब ये घर बिक जाएगा है ना, किराएदार से डील करने की, तुम ही कर लेना, मतलब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में मैंने बहुत सारे काम करवाए। स्पेसिफिक में जैसे साक्षी ने अभी एग्जांपल दिया, दीदी साइनिंग, बस साइन करने का काम है आपका, बस क्या करना है बच्चा? ओनली साइनिंग। तो पावर ऑफ अटॉर्नी किस टाइप की होगी? स्पेशल। साइनिंग अथॉरिटी होगी स्पेशल। मैंने एक बार में बहुत सारे काम दिए, साइनिंग भी, दूसरे काम भी, दैट वॉज जनरल। जब आप बहुत सारे कामों के लिए देते हो तो जनरल होता है, जब आप किसी एक काम के लिए देते हो तो वो हो जाता है बच्चा स्पेशल। समझ में आया? तो ये था एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। एग्जाम्पल दे के बताया कि रिटर्न वाला कैसा होता है, समझ में आया? डायरेक्ट उस बंदे से, ठीक। अब दूसरा क्या लिखा है बच्चा? इनडायरेक्ट। दीदी के साथ, रक्षिता दी के साथ बैठ कर मैंने फेस टू फेस बोला कि तुम्हारा मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट, मैं प्रिंसिपल तुम एजेंट, दैट वाज डायरेक्ट, दैट वाज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड ये क्या है? इनडायरेक्ट है, मतलब एक्सप्रेस नहीं है, यहाँ एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है। मैंने बोला रक्षिता दी को हम आपको एजेंट रख रहे हैं, उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी तैयार हूँ, एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट। मैंने बोला हम आपको रख रहे हैं, हम आपको रख रहे हैं, उन्होंने हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिस कारण से वो इनडायरेक्टली
बच्चा इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, बच्चा एजेंट बन जा रही है। वो इनडायरेक्ट तरीके से बिना एक्सप्रेस किए कैसे कैसे एजेंट बन सकते हैं, आ जाओ। सबसे पहली हेडिंग क्या लिखी है, टॉपर। इससे पहले सुना है, सुना है 11th में पार्टनरशिप टॉपर सुना है, टॉपर नहीं सुना पक्का सुना है, वही तो। बिजनेस स्टडीज सुना है, अकाउंट सुना है, बिजनेस स्टडीज सुना है। चलो बच्चा नेक्स्ट क्या लिखा है, वाइफ एज एन एजेंट, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। बच्चा ऐसे कितने पॉइंट्स पढ़ेंगे, चार पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले वो समझाते हैं जो अच्छे से समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, पहला ये समझते हैं। बच्चा हस्बैंड क्या कर रहा है, बाहर जाके कमा रहा है, और वाइफ अगर बाहर जाके कमा रहे तो कोई टेंशन नहीं। अगर वाइफ घर पर है दैट मीन्स दोनों के बीच में एक तरीके से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई सुनो तुम कमाओ, कमा के पैसा लेकर आने का, मैं क्या करूँगी गृहस्थी चलाऊंगी। भैया गृहस्थी चलाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, मम्मा फ्री नहीं बैठी है, पूरा पैसों का मैनेजमेंट देख रही है, है ना। पापा काम करके लाते तो लाओ इधर राशन लाना है, तो पूरा मैनेजमेंट देखती है। क्या ये बात समझ में आ रहा है बच्चा, कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन बच्चा कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। वेर हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चा साथ में लिविंग टुगेदर एंड वाइफ इज प्रिज्यूम, मान लिया जाता है कि हैव हर हस्बैंड अथॉरिटी टू प्लेज हिज क्रेडिट। जो कुछ भी वाइफ उधारी करेगी, जैसे कि राशन की दुकान में कर कर आती है, मम्मा एक बार में पूरा राशन उठा के लाती है और महीना महीना जाकर क्या देती है, बच्चा उधारी चुकाती है, पापा की जब सैलरी आती है ऐसा ही होता है। तो एक्चुअल में वाइफ जो भी खर्चा कर रही है, वाइफ जो भी खर्चा कर रही है, वाइफ वो एजेंट है और हस्बैंड क्या है बच्चा, वो प्रिंसिपल। मतलब बच्चा खाना क्या बस वाइफ खा रही है, हस्बैंड भी तो खा रहा है, तो कायदे से उसे राशन लेने जाना था, पैसे कमा रहे जाके राशन लेकर आए कि वो लेकर आ पा रहा है क्या, नहीं। लेकिन उसने ये काम किसको दे दिया, वाइफ को, कि काम करो हम दोनों के खाने के लिए आप खाना लेकर आओ। तो बच्चा इसके लिए अगर उधारी होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो सारी उधारी चुकाएगा। क्या ये दो लाइन समझ में आ रही है। परचेज ऑफ दी नेसेसरी ऑफ दी लाइफ सुटेबल, वो सारी चीजें खरीदती है जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है और उसके लिए उधारी करके लाती है। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हस्बैंड हो गया और वाइफ वो एजेंट हो गई है कि उन्हीं के लिए ये सब कर रही है। अगर प्रिंसिपल ये पैसा देना बंद कर दे तो वाइफ छोड़ के भाग नहीं जाएगी या फिर काम करना नहीं चालू कर देगी, ठीक है। चलिए तो इन्होंने कहा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए दोनों के बीच में एक तरीके से डीम्ड हो जाता है। प्रिंसिपल हमेशा हमारा हस्बैंड रहेगा जो कमा रहा है, जो वर्किंग एक तरीके से मैं बोलूंगी, और बच्चा एजेंट वो हो जाएगा जो उसके बिहाफ में काम कर रहा है, ठीक है। बट यहां से अब चीजें चेंज। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, हस्बैंड क्या है प्रिंसिपल और वाइफ क्या है एजेंट। जो भी वो कुछ उधारियां करके आ रही है, अब चाहे वो शॉपिंग करे, ठीक है, अब चाहे वो राशन का काम करे, पति का धर्म है कि वो प्रिंसिपल है चुकाएगा, जनरल रूल। अब एक्सेप्शन बताने जा रहे हो, जनरल के ले रहे, अग्री करते हो, आज एक्सेप्शन। बट द हस्बैंड विल नॉट लाइबल, वो लाइबल नहीं होगा जब उसको पता है कि उसकी वाइफ बहुत शॉपिंग करती है। यार उसने किराने वाले को साफ साफ बोल दिया है कि सुन भाई मत देना, और वाइफ चिकनी चुपड़ी बात करके ले आती है। अब कल को दुकानदार मांगेगा पैसा पति से, तो क्या पति लायबल है क्या, पहले वार्निंग दे दी थी, पहले वार्निंग दे दी थी। जनरल रूल, हस्बैंड पूरी उधारी के लिए लायबल, ठीक है, एक्सेप्शन लायबल नहीं। ही मतलब कौन है, हस्बैंड हैड एक्सप्रेसली वॉर्न्ड ट्रेडमैन नॉट टू सप्लाई द गुड्स ऑन द क्रेडिट ऑन हिज वाइफ, उधारी में मत देना, मैंने इसको पैसे दे रखे हैं, ये पैसे भी खा जाती है और यहाँ उधारी कर ली तो मुझे अलग से और देने पड़ते हैं। तो लड़का लायबल नहीं होगा, हस्बैंड लायबल नहीं होगा अगर वाइफ ने क्या कर दिया है, वाइफ अगर दुकानदार को आकर वो इन्फॉर्म करके आए कि भैया उधारी में मत देना, देना है तो कैश में, क्योंकि मैं तो कैश दे देता हूँ। दूसरा, ही हैज एक्सप्रेसली फॉरबिडन, किसको बोल रखा है, फॉरबिड मतलब मना करना, वाइफ को साफ साफ बोल रखा है कि सुन उधारी मत करना। पहले वाले पॉइंट में, पहले वाले एग्जांपल में किसने किसको मना किया, पति ने दुकानदार को बोला मत देना उधारी में, या फिर पति ने किसको बोला, अपनी वाइफ को, उधार में मत खरीदना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तब वो क्या रिस्पॉन्सिबल है क्या। अब बच्चा ये तो चार दीवारी के अंदर बोला है, प्रूफ क्या है, छोड़ो ना पुलिस ऑफिसर के पास, वो प्रूफ करते रहेंगे। लेकिन अगर सबके सामने बोला है, विटनेसेस हैं, प्रूफ हो जाता है कि हस्बैंड ने बोला था, बार बार बोलता था, पड़ोसी झगड़े सुनते रहते थे,
है ना, पड़ोसी के कान खुले तो रहते हैं सब सुनने के लिए, क्या झगड़ो रहे झगड़ो रहे। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी और सुना कि हाँ हाँ यार पति हमेशा मना करता रहता, तो बहुत उधारी करती थी, आए दिन अमेजोन से फ्लिपकार्ट से है ना मंगवाती रहती थी कुछ ना कुछ ऑनलाइन। ठीक है, तो बच्चा वो पुलिस ऑफिसर काम है उन पे छोड़ो। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हस्बैंड ने पहले ही दुकानदार को समझाया था, हस्बैंड ने पहले ही वाइफ को वार्निंग दे दी थी, तो हस्बैंड लाइबल नहीं है। पहले दो एग्जांपल समझ में आए। तीसरा, हिज वाइफ ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई, अच्छे खासे अलमारी खोल के देख लो, लाख कपड़े निकल आएंगे, लेकिन तब भी जाकर क्या करती है, फिर कपड़े खरीद लेती है। घर पे राशन है फिर भी भर रहे हैं। इन्होंने कहा भैया हस्बैंड लाइबल नहीं रहेगा जब क्या है, सारी चीजें सफिशिएंट है, तब वो उधारी के लिए लाइबल नहीं है। इन शॉर्ट सारी चीजें हैं, फिर आप फ्री का क्या उधार करते हो, मतलब उन्होंने कुछ फ्री के एक्सपेंस कर रखे होंगे जिसके लिए हस्बैंड साहब तो बोलोगे मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तुम उसके लिए खुद हो। बच्चा ही है सप्लाई, या फिर खुद वो चीजें खरीद कर ला देता था, खुद पूरे गृहस्थी का सामान खरीद के वो लेकर आ जाता था। चार एग्जाम्पल वन बाय वन। पहला, हस्बैंड ने किसको वार्निंग दी, शॉपकीपर को, या फिर किसको दी, वाइफ को, या फिर वाइफ के पास सारी चीजें ऑलरेडी था, या फिर नहीं था तो वो खुद खरीद के लेकर आ गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कमा सकती है। अगर वाइफ खुद ही कमा रही है तो दोनों प्रिंसिपल प्रिंसिपल हो गए, फिर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन ही नहीं आएगा। अभी हम क्या कह रहे हैं भैया, वाइफ नहीं कमा रही है, वो एजेंट है, जब दोनों ही कमा रहे तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल। खरीदो यार अपनी मर्जी से, तुम अपने खर्चे उठा रहे, तुम अपने खर्चे उठा रहे, है ना। कोई किसी को बोल सकता है क्या, मजा ले रहा मुझे कुछ बोल सकते हैं क्या? चलो, तो प्रिंसिपल और वाइफ का रिलेशन समझ में आया बच्चा? चलो वापस वापस बच्चा, प्रिंसिपल एजेंट समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ क्या लिखा, एजेंसी ऑफ स्टॉपल लिखा है बच्चा। चलो स्टॉपल को समझते हैं, समझो बच्चा प्लीज अच्छे से कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिन बच्चों ने पहले ही 11th 12th में पढ़ा है अच्छी बात, नहीं पढ़ा है बच्चा आप समझ जाओगे। ठीक है, ए बी सी डी कर लेती हूँ, कितने पार्टनर से बच्चा, कितने पार्टनर से बच्चा, चार। ठीक है बच्चा, एक ई है, एक ई है, इसे अपना घर बनवाना है, क्या बनाना है बच्चा, घर बनवाना है। ठीक, ये चार हमारे पार्टनर्स हैं, ठेकेदार हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं घर बनाने। ठीक है, एफ इसके, एफ के पास ये जाता है, बोलते हैं मुझे घर बनाना है, तो एफ बोलते हैं चल ना भाई, मेरी पहचान की पार्टनरशिप फर्म है, वहां जाते हैं और घर का काम करवाते हैं। ठीक है, अब बच्चा जैसे ये जाता है और इस तरफ खड़ा हो जाता है, जैसे टेबल है फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स का ही टेबल, ठीक है, तीन चेयरें लगी है, एक चेयर में जाके बैठ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो ई को क्या लगता है कि ये भी क्या है बच्चा, इस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है, पार्टनर है। वापस बच्चा, कुछ पार्टनर्स है जिनकी ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, ठीक है, एग्जाम्पल में थोड़ी सी दो रख देते, ठीक है, ध्यान देना बच्चा, सी को घर बनवाने का काम करना है, सी को घर बनवाने का काम करना है, ठीक है, ये डी के पास जाता है और डी ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो भी इस फर्म का क्या है बच्चा, पार्टनर है। क्या बात समझ में आ रही है, सी इस पूरी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, किस चीज का बच्चा, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, ये सोचकर कि भैया सी की पहचान किससे बच्चा, डी से, तो एक तरीके से मैं जो अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रहा हूँ, अपने ही तो बंदे को दे रहा हूँ। क्या बात समझ में आई, तो बच्चा अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में एक्चुअल में कितने पार्टनर है, दो, ए और बी। कल को इसका घर बहुत अच्छा बन जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कल को इसका घर अच्छा बन जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मान लो बच्चा उल्टा हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया, घर अच्छे से नहीं बना, झगड़ा हो गया, सी ने कहा कि भाई बी तूने मेरे घर अच्छे से नहीं बनाया, बी बोलता मैं थोड़ा ना उसका पार्टनर, जा इनसे बात करिए और बी से, इसने बोला मेरा घर गिर गया मुझे लॉस का कंपनसेशन चाहिए, मुझे लॉस का क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, तो भैया सी बोलता है कि भाई तूने तो बोला था कि तेरा ही है, तू ही है, उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो एक्चुअल में पार्टनर, क्या एक्चुअल में पार्टनर था क्या, नहीं। सी जाएगा कोर्ट में और कोर्ट साहब का बोलेगा कि डी तुम पार्टनर नहीं थे, लेकिन बाय स्टॉपल हम आपको मान लेंगे कि आप पार्टनर हो, क्योंकि आपने ऐसा प्रिटेंड किया कि आप इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, और सी ने इसी भरोसे ये कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया है, इस फर्म को। अगर सी को पहले पता होता कि डी तुम इसके नहीं हो, तो शायद वो इस फर्म के पास नहीं जाता, किसी और के पास जाता। क्या बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें प्रूफ करनी तो पड़ेंगी,
सी के ऊपर भी बात आएगी बच्चा, प्रूफ करो कि डी ने ऐसा क्या किया था जिससे तुम्हें लगा, प्रूफ तो देना पड़ेगा। तो बच्चा सी अगर ये प्रूफ कर देता है कि डी ने वो सारे नाटक किए थे एक पार्टनर जैसे, तो बच्चा इसलिए उसे भरोसा हो गया, तो बाय स्टॉपल डी पार्टनर था क्या? नहीं, मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है। क्या बात समझ में? और रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। अब जब लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, कोर्ट क्या बोलेगा? ए बी और डी, तुम तीनों इक्वली, इक्वली क्या हो बच्चा? इस लॉस पे, इस लॉस के है ना कंपनसेट करने के लिए इक्वली पार्टनर हो, आपको मिलकर सी को देना पड़ेगा, बस ए और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समझ में आया क्या? अब एक बार और जो रीड करेंगे, एजेंसी बाय स्टॉपल की बात हो रही, स्टॉपल अराइज कब होता है बच्चा? वेयर पी अलाउ थर्ड पार्टी टू बिलीव। बच्चा आपने अलाउ किया थर्ड पार्टी को बिलीव करने के लिए, क्या बच्चा? बच्चा कुछ नहीं, इन्होंने एक एग्जांपल दिया इनकम्प्लीट सा, पूरा रीड करो। स्टॉपल अराइज व्हेन यू आर बच्चा प्रीक्लूड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रुथ। अक्सर सी बोलता रहता था डी आपका, डी आप पार्टनर हो, पार्टनर तो वो बोल देता था हाँ, वो क्या बोल देता था? हाँ, या फिर हाँ ना बोलकर बच्चा शांत रहता था, हाँ ना बोलकर क्या रहता था? शांत रहता था, उनके साथ बस बैठा रहता था। तो बच्चा डी को भी पता था सी क्या सोच रहा है, मैं इसका इस फर्म का पार्टनर हूँ, और उसने कभी भी इस बात को क्लियर नहीं किया, जानबूझकर क्लियर नहीं किया, क्योंकि वो चाह रहा था कि भैया कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाए, अगर ये गलत समझे तो उसको गलत समझने दो। वापस रीड करो, अब देखो रीडिंग करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टॉपल मतलब क्या? When you are preclude, आप ऐसा क्लू दे रहे हो, आप ऐसा क्या दे रहे हो बच्चा? हिंट कर रहे हो। कैसे हिंट कर रहे हो? फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ एनीथिंग विच हैव रिप्रेजेंटेड एज अ फैक्ट। आपको मालूम है कि सामने वाला कुछ एक चीज समझ रहा है, कुछ एक फैक्ट को समझ रहा है, और आप इस चीज को क्या नहीं कर रहे हो बच्चा? डिनाइंग भी नहीं कर रहे, मतलब मना भी नहीं कर रहे। डी को साफ साफ बोल देना चाहिए था कि सी सुन, तेरी मर्जी है तो इस पार्टनरशिप हमको देना, मैं इसका मेंबर नहीं हूँ। क्या कभी उसने एक बार ऐसा बोला? नहीं, वो हमेशा ऐसा प्रिटेंड करता था कि भाई दे दे, बहुत अच्छा है, हम ही लोग का तो काम है, क्यों टेंशन ले रहा है, वो ऐसा बोलता था। कई बात समझ में आ रही? तो इसीलिए उसे भरोसा हो गया, although it is not a fact, जबकि ये बात एकदम से गलत थी। Thus, where a P allow बच्चा थर्ड पार्टी टू बिलीव, आप जानबूझकर अलाउ कर रहे हो, ए इज एक्टिंग इन हिज अथॉरिटी ऑथराइज एजेंट, वो आप एक्ट ऐसा कर रहे थे कि आपका ही काम है, सब कुछ आप ही हो। ही विल बी बच्चा स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द एजेंसी इफ सच थर्ड पार्टी इज रिलाय, रिलाय मतलब वो भरोसा कर लेती है थर्ड पार्टी, जो कि मेरे एग्जांपल में कौन था बच्चा? सी था। तो बच्चा और कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, इवन ए हैज नो अथॉरिटी एट ऑल, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी तब भी, जैसे कि मेरे एग्जांपल में डी के पास अथॉरिटी नहीं थी तब भी वो ये सारे काम कर रहा था, तो बाय स्टॉपल वो क्या हो जाएगा बच्चा? पार्टनर हो जाएगा, और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। क्लियर है क्या? क्या डायरेक्ट है? क्या क्या डायरेक्ट है? क्या बोला? इनडायरेक्ट आप क्या बन गए? पार्टनर। बच्चा वाइफ क्या है बच्चा? इनडायरेक्ट क्या है? एजेंट है। चलिए नेक्स्ट बच्चा क्या लिखा है? नेसेसिटी ऑफ, सॉरी एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। चुप रहो बच्चा, ध्यान देंगे। हेडिंग क्या लिखी है? एजेंसी, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरी, नेसेसिटी मतलब जरूरी है, जरूरत पर। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, समझिए। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। ठीक है, जबलपुर से, जबलपुर से बच्चा इंदौर। ठीक है, बना पा रही हूँ, बना पा रही। ठीक है, लिख देती हूँ। हॉर्स है, ए ए बी को हॉर्स बेच रहा है। ठीक है, चलिए अब भेजना पड़ता है यहाँ से, उसने ट्रेन से भेज दिया। किसे भेजा बच्चा? ट्रेन से। ए ने ट्रेन से भेजा बी को, क्या बेचा? क्या बेचा? हॉर्स। क्या बात समझ में? बच्चा ओवरनाइट जाती है आपको मालूम है इंदौर? 11 बजे जाती है। सुबह कितने बजे पहुंचती है? 10 बजे समझ लो। 11 बजे यहाँ से रात को निकलेगी और सुबह कितने बजे पहुंचेगी बच्चा? 10 बजे, सुबह 10 बजे। ठीक है, बी को स्टेशन पे खड़ा रहना था, इस बंदे ने यहाँ से भेज दिया, पार्सल भेज दिया है। ठीक है, वहां से बी को क्या लेना बच्चा? उठा लेना था। क्या आप लोग बस ट्रेन से जब भी कुछ भी पार्सल भेजते हो ऐसे ही होता है? क्या ए भी साथ साथ जाता है क्या? नहीं। तो घोड़ा यहाँ से भेज दिया और बी से कम्युनिकेट कर लिया था कि बी वहां से घोड़ा उठा लेना। क्या बात समझ में आई? बी नलायक को वहां प्रेजेंट रहना था, आया ही नहीं नलायक। घोड़ा बेचारा इतनी अकल है कि उसके घर पहुंच जाए, वहीं रहेगा बनावा। तो भैया ये ट्रेन का जो मास्टर होगा, स्टेशन मास्टर होगा भैया, वो क्या कह रहे, ये घोड़ा इसका क्या करूं? तो बच्चा अब ये लिविंग थिंग है, खाना इसको चाहिए, भूखा प्यासा बेचारा रात भर,
ये बी नलायक आया नहीं, लेकर जाता तो खिलाता, उसको काट के नहीं खाएगा, उसको खिलाएगा, घोड़ा है ना। तो बच्चा समझना, एजेंसी, बच्चा एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, ए और स्टेशन मास्टर के साथ। स्टेशन मास्टर के पास डॉक्यूमेंट होंगे ए के, वो क्या बोलेगा, भाई बी तो आया ही नहीं, बी को फोन करो, फोन ही नहीं उठा रहा है, देख समझ थोड़ा। तो ए क्या बोलता है, भाई सुन देख ले थोड़ा सा, घोड़ा प्यासा है, पानी पिला देना है ना, खाना खिला देना। तो एजेंसी ऑफ नेसेसिटी पहले समझेंगे, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी इन अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है, अ पर्सन हु हैज बीन इंटरेस्ट, भरोसा करना पड़ता है। एक और किस पे भरोसा करना पड़ेगा, स्टेशन मास्टर पे। अगर वो छोड़ देगा तो भैया घूम जाएगा ना, कहेंगे इतना महंगा घोड़ा, पैसे दिए नहीं, क्योंकि भैया डिलीवरी अभी हुई नहीं है। भरोसा करना पड़ता है विद अनदर्स प्रॉपर्टी पर। बच्चा इनकर द अनऑथराइज, क्या स्टेशन मास्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, नहीं, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। अनऑथराइज एक्सपेंस है, डायरेक्ट है क्या, हम सारी की सारी लिस्ट किसके पर दी है, इनडायरेक्ट के। अनऑथराइज एक्सपेंस टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व, उसे बचाने के लिए बच्चा जो जो स्टेशन मास्टर खर्चा करेगा ए को, कल को उसकी पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। दो दिन तक भैया उस ए को भी आने में टाइम लगेगा, अब ट्रेन तो तुरंत है नहीं, रुको आप थोड़ी, फिर नेक्स्ट डे वो पहुंचेगा। तो बच्चा सच एजेंसी एग्जाम्पल यही दे रखा है, ए ने बेचा बाय रेलवे, घोड़ा बेचा, ऑन हिज अराइवल एट द डेस्टिनेशन देयर इज नॉट टू रिसीव, कोई नालायक नहीं आया उसे, रेलवे कंपनी इज बाउंड, रेलवे कंपनी क्या होगी बच्चा, बाउंड हो गई है, लेकिन बाउंड कैसे है, बाय नेसेसिटी, बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप, ताकि वो उसे क्या रख सके बच्चा, जिंदा रख सके। जिंदा रखने के लिए बच्चा उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जिंदा तो रख सके, क्योंकि लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स तो पार्सल होता है, एक किनारे फेंक दिया जाता है, जब आएगा तो लेकर जाएंगे, तो लिविंग थिंग्स है। बच्चा वॉज एजेंट ऑफ द नेसेसिटी ऑफ ए, तो एक्चुअल में मालिक कौन है घोड़े का, ए, रेलवे कंपनी क्या होगी बच्चा, एजेंट हो गई, कि भाई, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं है, ये क्या बच्चा, इम्प्लाइड है। क्या क्या समझ में आया, अब मार्क करेंगे बच्चा, फटाफट मार्क करो, हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, वर्ड का मीनिंग बताओ रेक्टिफिकेशन का, वेरीफाई करना है, सही करना। चलो, व्हेन अ पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी टू परफॉर्म टू एक्ट एज एन एजेंट, वो एक पर्सन है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई वो एजेंट बने, और ड्यूली अपॉइंट एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी, या फिर कुछ पांच काम के लिए किया था बच्चा है ना, वो पांच काम के अलावा आप उसको एक्स्ट्रा काम करवा रहे, मतलब उसके पास उस काम की ऑथराइजेशन नहीं है। द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड, नॉट बाउंड, बच्चा प्रिंसिपल उसे बाउंड नहीं कर सकता है, ये क्या बातें कर रहे हैं बच्चा, बट द प्रिंसिपल में रेक्टिफाई दी एजेंट ट्रांजेक्शन नोन एज एक्सपोज फैक्टो एजेंसी, कुछ एक्सपोज फैक्टो कुछ सुना सुना से लगता है, एक्सपोज फैक्टो लॉ पढ़ा, आर्टिकल नंबर बताओ पहले, वेरी गुड, 20 का सबसे पहला वाला क्या था, एक्सपोज फैक्टो लॉ, एप्लीकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, बेनिफिट के लिए कर सकते हो, लॉस के लिए नहीं। अब यहाँ पे समझ, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल क्या कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रहा है, एक्सपोज फैक्टो लॉ, मतलब पास में जाकर, मतलब पास में जाएगा नहीं, पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल में, रेक्टिफाई का मतलब क्या है, चेंज करना, सही करना, कुछ गलत हो गया है, टर्म्स एंड कंडीशन में प्रिंसिपल को लग रहा है भाई मुझे ये काम करवाने थे इससे, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल को 10 काम करवाने थे, उसने लिखे कितने, 8 काम, 2 काम लिखना भूल गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में जाकर वो क्या करेगा, चीजों को क्या करेगा बच्चा, रेक्टिफाई करेगा, रेक्टिफाई करेगा मतलब चीजों को सही करेगा। बच्चा दिस इज, इसको और क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सपोज फैक्टो एजेंसी भी बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन इज इफेक्टिव ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सैटिस्फाइड, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल मुंह उठाकर ऐसे ही चेंजेस नहीं कर सकता, चेंजेस करने से पहले कुछ कंडीशन हो क्या रहा है पहले बताओ, ये समझ में आया, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन को सही कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल जब ये करेगा तो उसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि भैया वो एजेंट के अगेंस्ट भी तो कर सकता है ना, तो इन्होंने कहा भाई एजेंट के अगेंस्ट थोड़ा ना करना है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या लिखा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एज एन एजेंट फॉर द प्रिंसिपल, जिस टर्म्स एंड कंडीशन को आप चेंज कर रहे हो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, एक्सप्रेस थी, मतलब
रक्षिता दी और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सप्रेस था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं चेंज कर सकती हूँ। पहला मतलब कॉन्ट्रैक्ट वहां होना चाहिए एक्सप्रेस फॉर्म में, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? कॉम्पिटेंट पर्सन के बीच में हुआ है। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब कॉम्पिटेंट टू सेक्शन 11 सेक्शन 10 का वैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ता। हाँ, 11 में हमने उसका अगेंस्ट वाला पॉइंट पढ़ा था ना। सेक्शन 11 क्या बोलता है भैया, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया हो? कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ जब वो ये रेक्टिफिकेशन कर रहा हो तो फुल नॉलेज ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजों का पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास, फिर वो जान समझ कर उसे चेंज कर रहा हो। रेक्टिफिकेशन कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू थर्ड पार्टी टू डैमेज। टर्म्स एंड कंडीशन जब चेंज करोगे तो ऐसे कोई बात मत लिखना जिससे किसी थर्ड पार्टी का क्या होगा, नुकसान। प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है थर्ड पार्टी के काम को लेकर, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे जिससे क्या हो बच्चा, थर्ड पार्टी को नुकसान। फॉर एग्जाम्पल मेरे और रक्षिता के बीच, बीबी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो बच्चा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए उन टर्म्स एंड कंडीशन से, वो हमारे उनके बीच की बात हो। क्या ये बात समझ में आ रही? और सारे काम क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। और बच्चा टर्म्स एंड कंडीशन तभी तो चेंज हो सकती है ना जब ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों साथ में हो। पहला जो पुराना टर्म्स एंड कंडीशन था रक्षिता दीदी और हमारे बीच में बच्चा, तो दोनों ने सहमति दिखाई थी। अब जब मैं चेंज करने जा रही हूँ, रक्षिता दीदी अगर सहमत नहीं है तो क्या रेक्टिफाई हो सकता है क्या? नहीं, मतलब उनके अगेंस्ट भी होना नहीं चाहिए। तो वो ये कह रहे ओनली लॉफुल एक्ट ही, सही चीजों को ही बच्चा, सही जो गलती से गलत हो गया उन्हीं को सही किया जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप किसी के अगेंस्ट ये कर दोगे। बात समझ में आए? तो बच्चा एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, इन्होंने कहा ये इम्प्लाइड है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि गलतियों की तुम सुधारेंगे, ये इनडायरेक्टली आपको पावर मिल रही है। आप चाहो तो ठीक कर सकते हो, प्रिंसिपल चाहो तो इसे ठीक कर सकता है, लेकिन ठीक करने की टर्म्स एंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? पुराना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक्सप्रेस तरीके से। दूसरा कॉम्पिटेंट पर्सन से होना चाहिए। तीसरा फुल नॉलेज होना चाहिए तभी आप करना। फोर्थ थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ लॉफुल एक्टिंग होने चाहिए, ना उसके अगेंस्ट ना मेरे अगेंस्ट ना आप लोग के अगेंस्ट। बात समझ में आई बच्चा? कितने टाइप के हमने पढ़े? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कितने टाइप के होते हैं? दो, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, या फिर मैं बोलूं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एक नॉर्मल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होता है बच्चा, इनडायरेक्ट में उन्होंने बोला जरूरी नहीं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो, चेंज भी हो सकता है। सबसे पहला क्या था? बाय सॉफ्टवेयर, मतलब आप हो नहीं लेकिन मान लिया जाएगा, या फिर बाय प्रेजेंट एजेंट, या फिर एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, मजबूरी में एजेंट बना है, रियल में नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन ड्यूटी बनती है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के आधार ड्यूटी बनती है आपकी, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चा? एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। ये बहुत अजीब है, इन्होंने क्या बोला, ये एक्सप्रेस से कनेक्टेड है। आपको प्रिंसिपल को पावर दी जा रही है आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज हमेशा फेवरेबल होना चाहिए, अगेंस्ट में नहीं। बात समझ में आ गई? हाँ बच्चा, इसमें प्रिंसिपल और एजेंट, एजेंसी मतलब एजेंट, इन्होंने क्या बोला टर्म्स एंड कंडीशन एजेंट के क्या कर रहे बच्चा, ठीक कर रहे। ठीक कैसे कर रहे हैं? क्या पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा था कि ठीक कर सकते हो गलतियों को? कोई नहीं लिखता ये सब तो, लेकिन ये इनडायरेक्टली तरीके से आपको क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। किसको मिल रही है ये पावर? प्रिंसिपल को मिल रही है, लेकिन प्रिंसिपल कुछ बातों का ख्याल रखे, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगा। क्या बात समझ में? क्यों बोला है? क्योंकि पुराने टर्म्स एंड कंडीशन को बदल रहे हैं। एक्सपोज फैक्टो लॉ में मैंने एक वर्ड भी बताया था तुम लोग को, वर्ड याद है क्या था? आरसे, बताओ तुम्हें लोग बताओ। रेट्रोस्पेक्ट है, मतलब पुरानी चीजों को क्या, पुराने लॉ को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुराने टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करें, इसीलिए इट इज आल्सो नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी, मतलब एजेंसी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करें। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्यों बोला? क्योंकि वहां लॉ बदल रहे थे, यहाँ एजेंसी के टर्म्स एंड कंडीशन बदल रहे। क्लियर है बच्चा? पक्का? अब बच्चा क्लास रोक दी जाएगी।